सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। एट्थ क्लास का असं टॉपिक कर रहे हैं गुणन खंडीकरण फैक्टराइजेशन। यद नैक्सट पार्ट असी करना है एक्सरसाइज 14.4। ये कुछ सू इक्वेशन गिवन है समीकरण असी दसना है। उन्हें पूछा भी ये गलती दसो कि ये गलत है, उन्होंने सही करके लिखना है। जिस तरह फस्ट है साढ़े को चार ब्रैकेट एक्स माइनस पाँच, ये कहता आ चार एक्स माइनस पाँच। हुण इहदे विच गलती पता करनी की गलती है। देखो जिहड़ी लैफ्ट साइड है उहदे विच हैगा साडे को चार गुणा एक्स माइनस पाँच। हुण इह तुसीं कीता है कि जिहड़ा स्केलर आ जिहड़ा चार है इहने एक्स माइनस पाँच दोवां नाल गुणा होना, यानी कि इहने एक्स नाल भी गुणा होना तो इहने पाँच नाल भी ना। यह आएगा चार गुणा एक्स, चार एक्स माइनस चार गुणा पाँच वी, ठीक है। बट उन्हें की किन्ना लिखा है पाँच लिखा, इतने गलती है। तो ऐसे की लिखेंगे चार एक्स माइनस पाँच, ये बराबर आएगा चार एक्स माइनस वी, ना कि चार एक्स माइनस पाँच। इन्हें इतने सिर्फ चार नू एक्स ना गुणा किया, पाँच ना नहीं किया। सानू पता जे ब्रैकेट है तो इट मीनस ब्रैकेट में जिन्या भी टर्म्स है उन्हें सारे नाल गुणा होना, ठीक है। इस तरह जिस तरह थर्ड क्वेश्चन है हर एक टाइप का मैं एक एक करांगे। दो एक्स जमा तीन वाई, ये कहता है पाँच एक्स वाई के बराबर, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हैगा दो एक्स ये तीन वाई, ये दोवें अनलाइक टर्म्स है, ये ऐड नहीं हो सकती। क्लीयर? तो इत्थे लिखना है दो एक्स पाँच वाई अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक मतलब असमान पद ने जो कि जोड़े नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह एक क्वेश्चन देखो, तुसी क्वेश्चन नंबर सिक्स ये हैगा है तीन एक्स जमा दो एक्स, ये कहिंदा पांच एक्स स्केयर के बराबर है। हुण ये तो लाइक टर्म्स हैगियां, इन्हां नूं असीं जोड़ सकते हैं। तीन एक्स जमा दो एक्स ये किन्ना आएगा साढ़े को, किन्ना आएगा पाँच एक्स, ना कि पाँच एक्स स्केयर नहीं आएगा। स्केयर तो आना ही जे तीन एक्स तो दो एक्स गुणा हो, ठीक है। गुणा करी दी है फिर तुहानूं पता है एक्स दो बारी गुणा होंदा मतलब एक्स स्केयर आएगा, तो तीन दूनी किन्ना आएगा छे आएगा। क्लीयर? तो तीन एक्स जमा दो एक्स बराबर आएगा पाँच एक्स। हुण नैक्सट इस तरह ही है सारे। एक देखो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, तीन एक्स जमा दो दा होल स्केयर ये बराबर कहिंदा तीन एक्स स्केयर जमा छे एक्स जमा चार। हुण इत्थे असी ये फॉर्म बनती पे ए प्लस बी होल स्केयर, तो की फॉर्मूला ए स्केयर जमा दो ए बी, दो तीन एक्स गुणा चार जमा दो द स्केयर बी, ठीक है। ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। हुण यह जो स्केयर होया तीन एक्स का होल स्केयर मतलब तीन का भी वर्ग करना एक्स का भी करना, तीन का वर्ग नौ आएगा तो एक्स का वर्ग आएगा नाल, तीन दुनी छे चौक चौबी एक्स आएगा तो यह आएगा चार, ठीक है। तो यह इन्हें बिल्कुल गलत है, यह आंसर होना। क्लीयर? नैक्सट जरा टेंथ है वह कहता एक्स का मुल तीन भर के, एक्स का मुल माइनस तीन भरना। इक्वेशन चार इक्वेशन किवें है, तो जिस तरह थर्ड पार्ट देख लो सी पार्ट, यदा मुल एक्स स्केयर जमा पाँच एक्स, यदा मुल की आएगा पहले हूँ एक्स की जगह तीन आ गए माइनस तीन आ गया एक्स की जगह, तो वह वर्ग पाँच फिर एक्स, एक्स की जगह तो माइनस तीन। हूँ माइनस तीन का वर्ग यानी कि माइनस तीन गुना माइनस तीन नौ, प्लस माइनस माइनस पंजती पंद्रह, यह आएगा माइनस छे। वो कह रहा है कि चौबी माइनस चौबी आता है, उन्हें इस तरह किया है माइनस तीन के वर्ग में उन्हें माइनस नौ लिखता है, ठीक है। बट माइनस तीन का वर्ग जोड़ा माइनस नौ नहीं होंगे, माइनस तीन का वर्ग मतलब वर्ग तुम पता जे जिस चीज़ का वर्ग उन्होंने उस नाल गुणा करना, तो जो माइनस तीन असं माइनस तीन गुणा करा वो प्लस नौ आएगा, माइनस माइनस प्लस होएगा, ठीक है। तो गलती की है, यह माइनस तीन का वर्ग जोड़ा माइनस नौ नहीं आना, कि आना है प्लस नौ आना है। क्लीयर? नैक्सट दो तीन एग्जाम्पल्स और देखते हैं।
इस तरह 12 था z प्लस 5 का होल स्केयर, ये कहता है आ रहा है z स्केयर जमा 25। उन्हें की किया z का वर्ग करता तो 5 का वर्ग करता, ठीक है। बट ए केड़ी फॉर्म है, अगेन a प्लस बी होल स्केयर, यह जी गलत है तो सही की है। इतने फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab यानी कि 2 × z × 5 जमा बी स्केयर यानी कि 5 का स्केयर, यानी कि जेड स्केयर प्लस 5 × 10z प्लस 5 का स्केयर कितना हो गया 25। क्लियर। इस तरह नेक्स्ट जिस तरह 14 है, ए प्लस 4 × a + 2 ये कह रहा आएगा ए स्केयर जमा 8। इतने हूँ की उन्हें किया है ए नू ए ना गुणा करता ए स्केयर, तो 4 × 2 ना गुणा करता 8। ए कंप्लीट नहीं है, भी गलत है। तुम्हें पता जो बहुपदी बहुपदी ना गुणा करते हैं, ए प्लस 4 × a + 2 ना मल्टीप्लाई किया, पहला इधर दो टर्म्स ने, पहली टर्म ए ए अगली सारी ब्रैकेट ना गुणा होएगी, फिर नेक्स्ट टर्म 4 अगली सारी ब्रैकेट ना गुणा होएगी, ठीक है। तो आएगा ए स्केयर प्लस 2a + 4a + 4 × 8 यानी कि ए स्केयर प्लस 6a + 8 आएगा। क्लियर। तो यह गलती है, विच 6a भी आएगा एक। नेक्स्ट जेडे उस तो बाद 17 तो बाद क्वेश्चन वो भाग वाले ने वंड वाले पिछली एक्सरसाइज में किए थे ये क्वेश्चन, जिस तरह साढ़े को 18th क्वेश्चन देखो, कहता 3x / 3x + 2 ये बराबर 1/2। इन्हें 1/2 किस तरह किया, आ 3x ना 3x कैंसल करता तो 1/2, बट दिस इज रोंग, ये गलत है। इस तरह नहीं होना, कटिंग नहीं होनी, कटिंग तो होनी जो इतने गुणा का निशान होता, ठीक है। तो जी स्टेटमेंट है वो इनू असी जरा डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उपर एक पदी हेठा दो पदी एज इट इज़ रहेगा। जिस तरह साढ़े को 20th क्वेश्चन है, 4x + 5 × 4x ना भाग किया, यह कहता 5 आएगा, यह भी इन्हें इस तरह किया 4x + 4x कटता तो 5, बट ये 5 नहीं आएगा, कि आएगा हूँ 4x + 5 इनू कि भाग हो 4x नाल, बट यद मतलब भाग हो मतलब जोड़ा 4x है दोवें भाग होएगा, 4x नाल भी भाग होएगा, तो 4x 5 भी 4x नाल भाग होएगा, ये 1 आएगा, तो आंसर आएगा 1 × 5/4x आंसर आएगा। क्लीयर। इस थोड़ी एक्सरसाइज 14.4 ये चैप्टर भी कंप्लीट है। धन्यवाद सारे का।